अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों के पास स्नैपचैट के अंदर जो है डिजेबल अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही है, आपका अकाउंट चल नहीं रहा, आपके पास एरर आ रहा है लॉगिन के वक्त, तो आपने क्या करना है? तो यहाँ पर जो है ना, ये एरर जो है ये दो से तीन तरीकों से आता है। मैं आपसे स्टेप वन बाय वन पूछता हूँ और आपने देख लेना है आपकी प्रॉब्लम कौन से वाली है, ठीक है? अगर तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो पासवर्ड गलत वाली है, यानी कि आपने बार बार पासवर्ड गलत लगा लिया, पासवर्ड भूल गए थे और आपका अकाउंट बंद हो चुका है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? आपको यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी शो हो रहा होगा, आप उस पर रابطہ कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड गलत लगने की वजह से अकाउंट खराब हुआ है तो वो हम भी रिकवर करके दे सकते हैं। और अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, इस वीडियो के अंदर में अगर लगाता वीडियो तो वो काफी लेंथी हो जानी थी, तो पर आई कार्ड में वीडियो शो हो रही है, आपने उसको वॉच कर लेना है, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है? उसमें जो मेथड आपको बताया गया आपने सेम वही करना है, आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अगर आपने पासवर्ड गलत लगाया और आपके मोबाइल के अंदर नया अकाउंट बन रहा है, तो अब सेकंड मेथड, ठीक है, अब सेकंड लोग जिनका अकाउंट जो है वो डिसेबल का एरर आ रहा है, वो लोग जिनका अकाउंट पुराने वाला भी बंद हो चुका है और अगर वो नया अकाउंट बना रहे हैं तब भी वहां पर एरर 202 करके कुछ एरर है, वो एरर आ रहा है। आपका नया अकाउंट भी नहीं बन रहा और प्रीवियस भी जो है वो कट ऑफ हो चुका है, वो भी बंद हो चुका है, या फिर वो अगर दूसरे फोन के अंदर अपना अकाउंट चलाए, दूसरे फोन के अंदर उनका अकाउंट चल रहा है बट उनके अपने फोन के अंदर अकाउंट नहीं चल रहा, वो लोग क्या करें, ठीक है? उनका मैं आपको सीधी तरीके से बता देता हूं, उनकी ना डिवाइस बैन हो चुकी है। डिवाइस बैन का मतलब क्या है? डिवाइस बैन का मतलब है कि आपका आईएमई नंबर जो है ना वो ही ब्लॉक कर दिया है स्नैपचैट ने। आप अपने फोन के अंदर जिस फोन में ये ब्लॉक हुआ है, आप उसके अंदर ना तो नया स्नैपचैट का अकाउंट बना सकते हैं, ना तो प्रीवियस चला सकते हैं। हाँ, अगर आपका प्रीवियस अकाउंट किसी दूसरे फोन के अंदर चल रहा है तो आप उसको वहां पर यूज कर सकते हैं, बट इस फोन के अंदर नहीं यूज कर सकते। अब आपने करना क्या और ये होता क्यों? नॉर्मली ये होता तब है जब आप किसी को कोई इरेगुलर एक्टिविटी करते हो स्नैपचैट के ऊपर, जैसा कि आपने किसी को कोई गलत वीडियो सेंड कर दी, कोई सेक्सुअल कंटेंट शेयर कर दिया, कुछ भी आपने कर दिया, तो हैरेसमेंट हो गई कुछ इस तरीके की, तो आपने किसी को तंग किया, तो उससे आपको रिपोर्ट्स किसी ने आपके अकाउंट के ऊपर दी, तो उससे आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन होती है एंड आपका अकाउंट जो है वो अकाउंट भी खत्म कर देते हैं और आपकी डिवाइस भी बैन हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इस तरीके से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, मैंने वहां पर जो है, मैं हर बार जो है जैसे ही मुझे कोई सोल्यूशन मिलेगा मैं वहां पर एपी के फाइल जो है ना, न्यू स्नैपचैट की फाइल या फिर जो भी सोल्यूशन मुझे मिलेगा मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? जो कि इस वक्त मेरे पास दो एपी के फाइल्स हैं, आपने उनको ट्राई करना है। अगर उनमें से किसी स्नैपचैट के ऊपर आपका अकाउंट चल जाता है, यानी कि नया अकाउंट बन जाता है, तो आपने मुझे जरूर बताना है कि हाँ भाई हमारा अकाउंट बन गया और चल गया है। अगर नहीं चलता तब भी आपने बताना है कि अभी भी नहीं चला, तो मैं वहां पर एपी के फाइल या जो भी मैं वहां पर अपडेट करूंगा तो मैं अपडेट करता रहूंगा। जैसे ही वो चलना स्टार्ट हो जाए मेथड, तो आपने मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ भाई हमारा अकाउंट बन गया, या उन लोगों के लिए जिनका नया अकाउंट भी नहीं बन रहा, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है ना काम कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपने ट्राई करना है। तो नॉर्मली मैंने बता दिया ये अकाउंट जो डिवाइस बैन है इसका सोल्यूशन नहीं है, ये वाला सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया कि आप एपीके फाइल जो मैं नीचे दूंगा आपने उसको इंस्टॉल करना है। तो अगर तो उसके ऊपर चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो आपने क्या करना है, तो आपको करना पड़ेगा वेट। ऑफिशियली स्नैपचैट की तरफ से आपको तकरीबन 6 महीने से 8 महीने या इससे भी ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली नहीं है 6 महीने, वैसे उन्होंने कहा है हाफ ईयर में ये हो जाता है, ठीक, बट इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप वेट करें, हो सकता है आपका मोबाइल फोन दोबारा से जो है नया अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाए और वो मोबाइल फोन ठीक हो जाए, अदरवाइज आप इस फोन को सेल आउट करके जो है नया फोन खरीद सकते हैं स्नैपचैट यूज करने के लिए, अगर आप स्नैपचैट को यूज करना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।